पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए 21 अप्रैल को रांची में होने वाली उलगुलान न्याय महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए इंडिया ने अपनी ताकत झोंक दी है। रैली की कमान संभाल रहे हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने आवास पर महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की, रणनीति बनाई गई। 21 अप्रैल को जेएमएम की न्याय उलगुलान रैली, रांची के प्रभात तारा मैदान में रैली का आयोजन, इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को निमंत्रण, रैली को सफल बनाने में जुटा इंडिया गठबंधन। इक्कीस अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा। जेएमएम के न्याय उलगुलान रैली में गठबंधन के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कल्पना सोरेन खुद कमान संभाल रही हैं। रविवार को कल्पना सोरेन ने अपने आवास पर गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें महारैली की सफलता के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, आरजेडी कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, महासचिव कैलाश यादव, माले विधायक विनोद सिंह, जेएमएम महासचिव विनोद पांडे शामिल हुए। ये कुव्वत है कि प्रभात तारा जैसे मैदान को भर देने का, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में इतने कम समय के बावजूद हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण संपूर्ण झारखंड से एक हुंकार रैली, उलगुलान रैली, इसका नाम भी न्याय उलगुलान रैली रखा गया है। हेमंत सोरेन जी के साथ न्याय हो, इस उम्मीद के साथ, इस हुंकार के साथ सभी लोग प्रभात तारा मैदान में जुटेंगे और लाखों की संख्या में लोग आएंगे। न्याय उलगुलान रैली के जरिए आरजेडी भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटी है। आरजेडी के मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि रैली में 5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। रैली में लालू यादव भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का आना तय है। झारखंड उलगुलान रैली होने जा रहा है जुड़वा प्रभात तारा मैदान 21 अप्रैल को, और ये रैली जो है कि पूरे झारखंड में झारखंड जुड़ने का और इंडिया जिताने का जो है कि संकल्प लगा। 14 सीट हम लोगों को कैसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीत करना है, इसको लेकर इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल आएंगे, सभी शीर्ष नेता बनाएंगे, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो, CPM की तरफ से हो, TMC के भी लोग आएंगे, आम आदमी पार्टी के सारे लोग आएंगे लगभग। तो हम लोग मिनिमम जो है कि 5 लाख लोग वहां पर जो हम लोग टारगेट रखे, उससे ज्यादा लोग आएंगे कम नहीं आएंगे। न्याय उलगुलान रैली पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि इंडी गठबंधन कितनी भी रैली कर ले, जनता को मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है। हमारे नेताओं को भी, हमारी पार्टी को भी आमंत्रित किया है अपने रांची की रैली में, यानी ये हार मान चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं, इनको पता है कि इनके पार्टी के नेताओं के कारण भीड़ आने वाली नहीं है, इसलिए हमारे पार्टी के नेताओं को, हमारी पार्टी को निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन साहब, एक बार खुद से हाथ अजमाइश करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा रियलिटी चेक कि कितनी भीड़ आ रही है और कितने लोग आपको सुनने आ रहे हैं। मुंबई और दिल्ली के बाद रांची में इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा। रैली के साथ ही इंडिया गठबंधन झारखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेगा। रैली के माध्यम से इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में कितना माहौल बना पाता है, इसका इंतजार हर किसी को है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। 21 अप्रैल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।